नमस्कार, मैं आशीष कुमार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, साथ ही साथ सरयामन पक्षी विहार। बहुत बड़े जंगल है दोनों। खास बात यह है कि इन जंगलों में बी फार्मिंग भी की जा रही है, बी कीपिंग भी की जा रही है। जी हाँ, मधुमक्खी पालन किया जा रहा है बॉक्सेस में। सबसे बड़ी बात यह है कि शहद तो खैर जा ही रहे हैं, शहद के अलावे मधुमक्खियों से जो वैक्स हमें प्राप्त होता है, इन वैक्स से अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। जी हाँ, हमारे बीच इस समय मौजूद हैं एक्सपर्ट, साथ ही साथ ट्रेनर, जो कि VTR में मधुमक्खी पालन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। शुभम शरण हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभम आपका। क्या बताना चाहेंगे आप इस पे? जैसा कि वीवैक्स क्या है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। मधुमक्खियों का जो घर होता है, यानी जिस छत्ते में वो रहती हैं, वो पूरी तरह से मोम का बना होता है। और मधुमक्खियाँ जब शहद जब तैयार हो जाता है, उसके बाद अपने जो घर में जो कुछ कोष्टक होते हैं, यानी जिनको गोडाउन एरिया बोलते हैं उनका, उसको भी वो मोम से सील कर देती हैं। मैं ट्राइब्स के कुछ पुराने लोगों से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले भी वो लोग इन चीजों से काजल बनाना और वैसलीन जैसा, तो वो वैसलीन नहीं कह के वो कहते थे होठ में लगाने वाली कोई चीज। तो ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास जो थारू जनजाति जो रहती है, जो ट्राइब्स हैं, वो शुरू से इस वैक्स का उपयोग कर रहे हैं, हाँ, कॉस्मेटिक के रूप में। हाँ, कॉस्मेटिक के रूप में और कैंडल के रूप में ये इसका उपयोग वो लोग काफी पहले से कर रहे हैं। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ और फिर इस वी वैक्स का आपने कॉस्मेटिक बनाना शुरू किया। हम ये करके तो दिखा सकते हैं ना अभी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस नेचुरल बी वैक्स से इस प्रकार का नेचुरल लिप बाम बनाया जा सकता है। उस वैक्स को आपने इस कटोरी में डाला है, इसके साथ साथ आपने इसमें शिया बटर भी डाला है। शिया बटर, और फिर अभी हमने चूंकि मौसम के हिसाब से, हाँ, इसमें दो चीजें चेंज हो जाती हैं। एक हो जाता है हमारा कोकोनट, गर्मियों के दिनों में कोकोनट ऑयल, हाँ, इसमें हम कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हाँ, और सर्दियों में हमारा इसके अंदर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। अभी तो खैर गर्मी है, तो आपने इसमें थोड़ी सी मात्रा नारियल के तेल की डाली है जी, और इसमें शिया बटर की थोड़ी सी मात्रा है, और फिर वो वैक्स है जो पूरी तरह से अभी पिघल चुका है। तो ये यानी कि तीनों चीजों का ये मिश्रण है। अब इससे आप तैयार करेंगे लिप बाम, हाँ, कुछ और चीजों को मिला के, कुछ और चीज। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, फिलहाल आपने ये देखा है। तो ये है उन तीनों चीजों का मिश्रण, जिसमें बी वैक्स है, नारियल का तेल है, और फिर शिया बटर है। इसमें अभी आप क्या डाल रहे हैं? इसमें अभी हम विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती है, लिक्विड कैप्सूल्स, वो ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिप्स के लिए बहुत अच्छी है, और हर तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स में विटामिन ई की का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। तो अभी आपने इसमें विटामिन ई की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं। तो अभी हमारे सामने चार चीजों का मिश्रण है, हाँ, बी वैक्स, नारियल का तेल, शिया बटर और विटामिन ई। चीजों के मिश्रण के साथ आप अभी क्या कर रहे हैं? जो हमने मिक्सचर बनाया था और उसको गर्म करने के बाद जब हमने उसको ये किया, उसके बाद हम उसको अब धीरे धीरे निडल या फिर स्पून के माध्यम से धीरे धीरे करके अपने एम्प्टी बॉक्स के अंदर फिल कर लेंगे, और फिल करने के अप्रॉक्स 2-3 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं निडल वगैरह से डालने का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें किसी तरह का कोई बबल नहीं आ रहा है, और जैसे ये सेट हो जाएगा फिर आप देख पाएंगे काफी अच्छे से इसके अंदर ये जिस तरह हम दुकानों वगैरह से लेते हैं, बिल्कुल उस तरह की शेप में ये हमारा वीवैक्स रेडी हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से थोड़ी देर में सॉलिड हो जाएगा, और एक कारीगर लिप बाम के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट में, चाहे वो लिप बाम हो या लिपस्टिक हो या फिर काजल हो, उसके अंदर वो वीवैक्स इस्तेमाल करते हैं।
और वो वी वैक्स हमारे यहाँ, अब तो हमारे यहाँ भी होने लगा है, पहले वो सारे वी वैक्स हमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने पड़ते थे, और अभी हमारे पास वी वैक्स इतना हो पाता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह की कंपनियों को, मतलब एक्सपोर्ट करने से सेंस मेरा नहीं, अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये बात पूरी तरह से सही है। हालांकि आप देख रहे हैं कि जो काम आज तक नहीं हुआ था, अब चंपारण में उसको भी शुरू किया जा चुका है। चंपारण में जंगलों की कमी नहीं है कहीं से भी, और उन सभी जंगलों का फायदा जो है अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उठाया जा रहा है। एक नई चीज शुरू की गई है यहाँ पे, बी फार्मिंग शुरू की गई है, बी कीपिंग शुरू की गई है जंगलों में, और उनके वैक्स से आप कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हैं, लिप बाम बना रहे हैं। शहद की जहाँ तक बात है तो शहद का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, लिक्विड पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है, और ये वैक्स का रूप फिर से ले रहा है। लेकिन अंतर ये है कि ये अब आप अपने होठों पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको परखने की जहां तक बात है तो अभी तो ये अंडर ट्रायल है, लेकिन जब आप इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो मार्केट के सारे स्टैंडर्ड्स पे तो इसको खरा उतरना होगा ना। या फिर कॉस्मेटिक की बात की जाए, या फिर मेडिसिन की, अगर आप फार्मा कंपनी में इसको इन्वॉल्व करते हैं तो हर एक सेक्टर में आपको एक क्लीन चिट लेना होगा, तो इन सभी प्रोसेस को तो पूरा करना होगा ना आपको। जैसा कि प्रोसेस की बात है, तो उसके लिए हम पूसा से लगातार संपर्क में हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम एक बार इसका लैब टेस्ट करा लेंगे। लैब टेस्ट में पूरी तरह से पास होने के बाद ये तभी मार्केट में आएगा। फिलहाल हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या संतुष्टि है कुछ? बिल्कुल, और जिन लोगों को भी हमने दिया है, या जिन मित्र लोगों के पास है, या जैसे भी उन लोगों के पास गया, वो लोग संतुष्ट हैं। और चूंकि पेट्रोलियम जेली एक तरह का बिल्कुल पेट्रोलियम जेली जैसे, वैसलीन जैसे कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, उनसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। पेट्रोलियम जेली तो खैर उसकी बात करनी ही मूर्खता होगी इसके सामने, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल चीजों से बना है, हमारे सामने आप बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप और बताइए, कल को अगर इसको मार्केट में उतारा जाता है और यहाँ से पूरी तरह से संतुष्टि के बाद, तो क्या इसमें आप और भी चीजों को ऐड करने वाले हैं, या फिर ये कंप्लीट आप कर चुके हैं इसको? कमर्शियल तौर पे इसका जब हम उत्पादन करेंगे, तो जैसा कि ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स में आते हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंस भी हम इस्तेमाल करेंगे, पर मुझे लगता है कि इसका जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो काफी अच्छा है। नेचुरल फ्रेग्रेंस तो खैर उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आने वाले दिनों में आप और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं ना? लिप बाम के साथ हम फर्दर काजल का, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड रहा है, ट्रेडिशनल मतलब जैसे हमारी नानी दादी बनाती आई हैं, उस तरह के काजल पे हम काम करेंगे। कई सारी एजेंसियां हैं हमारे पास, कई सारे एनजीओ हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, और वो लोग काफी इच्छुक हैं इसको लेके, इसके प्रोडक्शन में आने के लिए। बट जैसे ही इसका लैब टेस्ट वगैरह का रिजल्ट आ जाता है, फिर हम चलिए, तो ये है पूरी जानकारी कि बीटीआर के जंगलों से और सरेआमल पक्षी विहार के जंगलों में हो रहे मधुमक्खी पालन से क्या कुछ किया जा रहा है। शहद तो खैर वहां से निकल ही रहा है, अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी निकलने शुरू हो चुके हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरपूर हैं, हेल्दी भी हैं, हाइजीनिक भी हैं और इफेक्टिव भी हैं।